हरियाणा सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर एक नई पहल की है। इसके तहत अब सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए सुपर 100 योजना के तहत प्राइवेट स्कूलों के बच्चों के साथ कंपटीशन में तैयारी करने के लिए कोचिंग का प्रावधान किया गया है। सरकार ने वर्ष 2018 में रेवाड़ी व पंचकुला में दो सेंटर शुरू किए थे, जिनके बेहतरीन परिणामों को देखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस वर्ष दो और नए सेंटर करनाल व हिसार में खोलने का निर्णय लिया है। उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बुधवार को डाइट शाहपुर करनाल में स्थापित कोचिंग सेंटर की क्लास का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इसके अलावा इन बच्चों के ठहरने, खाने पीने की व्यवस्था के लिए डाइट शाहपुर में ही बने छात्रावास का भी लोकार्पण किया। इस मौके पर उपायुक्त ने उपस्थित बच्चों को संबोधित करते हुए सुपर 100 में सिलेक्ट बच्चों को शुभकामनाएं दी और बधाई दी और कहा कि आप सभी बहुत भाग्यशाली हैं जिन्हें सरकारी खर्चे पर कोचिंग निःशुल्क मिलेगी। उन्होंने कहा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए बच्चों को लक्ष्य को सामने रखकर कड़ी मेहनत करनी चाहिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर एक नई शुरुआत की है, जिसके तहत सरकारी स्कूलों के सुपर 100 बच्चों को कोचिंग दिलाकर इंजीनियरिंग और मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ने का सुनहरा मौका दिया गया है। उन्होंने बच्चों का आह्वान किया कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को ग्रामीण परिवेश में रहने वाले और सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी कड़ी टक्कर दे सकते हैं और प्रतिस्पर्धा में अव्वल स्थान हासिल कर सकते हैं। इस मौके पर जिला शिक्षा अधिकारी राजपाल चौधरी ने उपायुक्त निशांत कुमार यादव का स्वागत किया और सुपर 100 योजना पर प्रकाश डालते हुए बताया कि डबल स्क्रीनिंग के बाद इन बच्चों का इस योजना में सिलेक्शन हुआ है। ये बहुत ही प्रतिभाशाली बच्चे हैं। उन्होंने चयनित बच्चों को शुभकामनाएं दी और उपायुक्त से समय समय पर निरीक्षण करने के बारे में अनुरोध किया। कार्यक्रम में डाइट शाहपुर के प्रिंसिपल रविंद्र चौधरी ने बताया कि सुपर 100 योजना के तहत सरकारी स्कूलों के प्रतिभावान बच्चों को इंजीनियरिंग व मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए कंपटीशन की तैयारी करवाई जाएगी। इस योजना के तहत 11वीं व 12वीं के बच्चों को तैयार किया जाएगा। इस योजना के लागू होने से अब सरकारी स्कूल के जो बच्चे कोचिंग के अभाव में मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेने से वंचित रह जाते थे, उन्हें इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस वर्ष डाइट शाहपुर में स्थापित कोचिंग सेंटर में 11वीं कक्षा के करीब 43 बच्चों का चयन हुआ है। अगले वर्ष से 12वीं कक्षा के बच्चों को भी शामिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कोचिंग के साथ साथ एकेडमिक पढ़ाई भी जारी रहेगी। इसके लिए इन बच्चों का दाखिला चिड़ाव के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में करवाया गया है। उन्होंने बताया कि कोचिंग सेंटर में प्रवेश लेने वाले बच्चों को छात्रावास की सुविधा प्रदान करने के लिए छात्रावास का नवीनीकरण करवाया गया। यहाँ के छात्रावास में करीब 62 बच्चों के ठहरने व खाने पीने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले बच्चों के लिए पाठ्य सामग्री व वर्दी निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। किसने एक्टिंग की आनंद कुमार जी की? तो अब तो हालांकि सुपर 30 का नाम सब लोग जानने लग गए, काफी सारे बच्चे सुपर 30 के वो हमारे साथ जब आईटी में थे पढ़ते थे और वो सही में बताते थे कि उन्होंने कितना संघर्ष किया। तो वहाँ पे सुपर 30 जो है उन बच्चों को लेती थी जो बिल्कुल गरीब परिवेश से, ग्रामीण परिवेश से आए, ना तो उनके पास कोचिंग के लिए रिसोर्सेज हैं, ना उनके पास रहने पढ़ने के लिए हो है, तो वो वहाँ उन बच्चों को वहाँ रुकवा करके, जैसे आप सबने उस मूवी में भी देखा होगा, रुकवा करके उनको तैयारी कराते थे और काफ़ी अच्छी सक्सेस रेट से वो बच्चे निकलते थे। तो इवन जब आईआईटी में हमारे समय में जितने बच्चे पढ़ते थे और अभी भी ज़्यादातर बच्चे, आप यकीन करेंगे कि वो रूरल बैकग्राउंड से हैं और गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं। इससे ये साबित होता है कि जो प्रतिभा है, जो टैलेंट है, वो किसी भी चीज़ की मोहताज नहीं है कि सिर्फ शहर के बच्चे ही या प्राइवेट, बड़ी बड़ी महंगी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे ही सेलेक्ट होंगे। और इसका सीधा सा उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आईआईटी में बच्चे पढ़ते हैं वो ज़्यादातर आप अगर से पढ़ने वाले बच्चे जाते हैं। तो एक तो ये आपके लिए मेरे ख्याल से मोटिवेटिंग फैक्टर होना चाहिए कि आप भी निसंदेह जो आईआईटीज को, नीट को, एनआईटीज के, अब तो चूंकि कॉमन एग्जाम हो गया, उस टाइम पे AIEEE सेपरेट एग्जाम होता था एनआईटीज के लिए, तो आप ये एग्जाम क्रैक करके बड़ी आसानी से अपना करियर बना सकते हैं। और एक बार अगर आपने इन नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट्स में, चाहे वो कोई भी हो, आईआईटीज हो, एनआईटीज हो, नीट के थ्रू पीजीआई वगैरह हो, जो भी हो, मेडिकल कॉलेजेस हो, अगर आपने एक बार उसमें एंट्री हासिल कर ली तो निश्चित रूप से आप एक बेहतर प्रोफेशनल बनके, एक बेहतर इंसान बनके वहां से बाहर निकलेंगे। आपके पास बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज होंगी, एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आपके अंदर झलकेगा। जीवन शैली में बहुत सारे अलग अलग व्यवधान आ गए हैं, मोबाइल फोन से एक अपने आप में एक अलग तरह का डिस्ट्रैक्शन है। इसके अलावा फ्रेंड्स बना लेना, बाहर घूमने चले जाना, अलग अलग चीजों में अलग अलग तरीके से आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। और उसमें
कुछ लिमिट तक अगर रखा जाए तो गलत भी नहीं है, आपने फ्रेंड सर्कल में भी बैठना चाहिए, एंजॉय भी करना चाहिए, लेकिन आप ये लक्ष्य जरूर आपने सामने रखें कि जो चुनौती है आपके पास, लिमिटेड 1.5-2 साल है जिसमें आपने इतना सारा एंटायर सिलेबस कवर करना है, और देश में कई जगह पे कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जब आप नहीं पढ़ रहे होंगे, आप बाहर घूम रहे होंगे, पार्टी कर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, तब वो बच्चे उधर पढ़ रहे होंगे, तो आपको वहाँ कॉम्पिटिशन फील होना चाहिए। जब आपको ये लगेगा सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई जो सिर्फ और सिर्फ मेहनत का ही खेल है सारा, कहते हैं सक्सेस इज 1% इंस्पिरेशन 99% परस्पिरेशन। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।